हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय आमिर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइस, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल बना ली है स्वैप डॉट सी पी पी के नेम से, ठीक है ना। सो यदि आपने नहीं बनाई है तो आप इसे क्रिएट कर लें, देन यहाँ पे हम इसका कोड टाइप करना शुरू करेंगे वी एस कोड में। तो चलिए मैं कोड टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम स्पेस का यूज़ करेंगे। सो मैं टाइप करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी देन कॉलन, देन हम यहाँ पे मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो मैं कर लेता हूँ इंट मेन। ओके, देन यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले, जिसका टाइप होगा इंटीजर। सो इंट ए, ए में मैं दे देता हूँ 10। ओके, देन यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी, बी में मैं दे देता हूँ 5। तो मैंने इसमें 5 को इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, देन एक वेरिएबल लेंगे हम 10, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, दो नंबर को स्वैप करेंगे। देन मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सी आउट। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्वैप होने से पहले का नंबर, ठीक है, मतलब बिफोर स्वैपिंग जो हमारा नंबर है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देन हम बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर स्वैपिंग के बाद वाले नंबर को प्रिंट करेंगे। देन हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारा जो नंबर है स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बिफोर स्वैपिंग। ओके गाइज, बिफोर स्वैपिंग। सो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक को प्रिंट कर देता हूँ, देन एंडल टाइप कर देता हूँ मैं, एंडल न्यू लाइन के लिए होता है, देन सेमी कॉलन, देन सेम ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी को प्रिंट कर देंगे। ओके बी, देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक लिख देते हैं स्वैप टू नंबर्स का, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है स्वैप होगा। टेम्प ए, ओके, तो ए को हमने क्या करा, टेम्प में स्लाइस कर दिया। देन इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी को ए में स्लाइस कर देंगे। सो ए इक्वल टू बी, ओके, देन सेमी कॉलन। देन इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेम्प को बी में स्लाइस कर देंगे। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बी इक्वल टू टेम्प, ओके, देन सेमी कॉलन। देन अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग नंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सी आउट का यूज करा है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ आफ्टर स्वैपिंग। ओके, देन यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ए को, एंडल फॉर न्यू लाइन, ओके, देन सेमी कॉलन। देन इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी को प्रिंट कर देंगे। सो मैं यहाँ पे ए की जगह बी कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे हमने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे रन आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग ए में जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, 10 थी। ओके, देन यहाँ पे अभी आफ्टर स्वैपिंग ए में वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। इसी तरीके से बिफोर स्वैपिंग जो था हमारा बी में वैल्यू 5 थी एंड यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग बी में वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। ओके गाइज, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं आपस में। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, बस आपको इस लॉजिक को याद रखना है। ओके गाइज, लॉजिक सेम रहेगा, बाकी आप इसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, पाइथन में, सी में, जावा में। ओके गाइज, सो ये हमने सी प्लस प्लस में करके देखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।